क्या तू नहीं जानता मैं रावण हूँ, रावण हूँ, रावण हूँ। जंग ये अपनी नहीं है, ये मान और अपमान की, तुझको मिटाकर आज वापिस मैं ले लूंगा जान की। धनुष ये धारा नहीं केवल दिखाने के लिए, तैयार हो जा रावण तू बैकुंठ जाने के लिए। चापलूसी छोड़ दे और मुझसे तू संग्राम कर, पर लोक जाने से पहले अपने इष्ट का ध्यान कर। कामना पूर्ण हुई, कामना पूर्ण हुई, न काल से मैं मर सका, मेरे आते सामने कोई जरूरत ना कर सका। खुद राम को आना पड़ा मुझको मिटाने के लिए, मेरी कहानी अमर है जग में सुनाने के लिए। जय श्री राम। रावण कहाँ जलता है, रावण तो सबके दिलों में है। राम सबसे पहले है तो रावण भी साथ है। अगर राम जी हैं तो रावण साथ रहेंगे। जब ही रावण के बैर राम अधूरे हैं, राम के बगैर रावण अधूरे। लंका मेरी सोने की, पैसा मेरे पास इतना, इतनी मेरी सेना, सब कुछ था, लेकिन मैं क्यों मारा गया? अहंकार, मेरे में अहंकार था। वो अहंकार मुझे ले डूबा। लक्ष्मण जी, कभी भी जिंदगी में अहंकार नहीं करना और प्रभु के चरणों में लगे रहना। ऐसे ही अपने भ्राता की सेवा करते रहो, बस। जय श्री राम। जानता है भोला शंकर मेरे बल परमान को, हाथों पर कैलाश उठाया, हासिल किया वरदान। मैं छल बल मिलासानी हूँ, ब्राह्मण कुलभूषण पावन हूँ। क्या तू नहीं जानता मैं रावण हूँ, रावण हूँ, रावण हूँ। खबरदार लंकेश, खबरदार, आगे कदम मत बढ़ाना, कहीं ऐसा ना हो कि ये रंग भूमि रण भूमि में बदल जाए और तुम्हारा ये अभिमानी शरीर खून में तैरता नजर आए। तो भाई साहब, पानीपत पर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं, राम लक्ष्मण और उनके साथ रावण। आजकल पानीपत में रामलीला का दौर जो है वो चल रहा है और पूरे देश में इस समय जो है भक्ति में जो है आपको देखने को मिलेगा। पूरा देश जो है भक्ति में हो गए। आज इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक बार ये पूरा सेटअप हम आपको दिखा लें। यहाँ पर ये कलाकार तैयार होते हैं और तैयारी के विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। और ये लोग जो आर्टिस्ट हैं वो पर्दे के पीछे रहते हैं। और बेसिक मेरा आज यहाँ आने का मकसद ये है कि दिखाया जाए भी ये लोग क्या और कैसे करते हैं। मॉडल टाउन के सनातन धर्म से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं। सबसे अहम रोल जो होता है इनका होता है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या बात करें आपसे, आपको हर साल जलाया जाता है, लेकिन आपको गुणी ज्ञानी इतने हैं, विद्वान इतने हैं, कभी दुख नहीं होता कि रावण को हर साल जो है जलाया जाता है। रावण, पहले तो सबसे पहले जय श्री राम। रावण कहाँ जलता है, रावण तो सबके दिलों में है। राम सबसे पहले है तो रावण भी साथ है। अगर राम जी हैं तो रावण साथ रहेंगे। जब ही रावण के बैर राम अधूरे हैं, राम के बगैर रावण अधूरे। राम ना होते, रावण ना होते, तो ये रामलीला शायद ना बनती। नहीं, देखो, अगर मर्यादा भगवान राम का अवतार हुआ है, ये तो संभव है, ये जरूरी है। राम आएंगे तो रावण को भी आना पड़ा, रावण आए तो राम जी को भी आना पड़ा। भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जो है जाना जाता है, श्री राम को जो है मतलब हर जो है बंदा जाता है। आप जब इस सीन में आते हैं तो क्या मतलब मन में आता है, क्या सोचते हैं? मतलब ऐसा हो जाता है कि वाकई आपकी आत्मा और परमात्मा की जो है दोनों का मिलन हो गया। देखिए, जब से मैं रोल कर रहा हूँ मेरे मन में यही आता है कि मैं मर्यादा का पालन करूँ और अपने माता पिता की सेवा करूँ। चलो, पिताजी तो मेरे हैं नहीं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी माता की सेवा करता हूँ। कि मेरा यही प्रयास होता है कि मेरा एक अंश भी मैं अगर प्रभु का अनुकरण कर लूँ तो मेरा जीवन धन्य है। और मेरा यह बड़ा सौभाग्य है कि मैं ये रोल पिछले 25 वर्षों से कर रहा हूँ और बड़ा आनंद मिलता है। अब तो डायलॉग सारे याद हो गए होंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि वाइस ऑफ पानीपत पर लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं आपको, आप दोनों के जो डायलॉग, जो मशहूर डायलॉग है जो आगे आने वाले हैं स्टेज के ऊपर, वो थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करें। क्यों नहीं। जंग ये अपनी नहीं है, ये मान और अपमान की, तुझको मिटाकर आज वापिस मैं ले लूंगा जान की। धनुष ये धारा नहीं केवल दिखाने के लिए, तैयार हो जा रावण तू बैकुंठ जाने के लिए। चापलूसी छोड़ दे और मुझसे तू संग्राम कर, पर लोक जाने से पहले अपने इष्ट का ध्यान कर। क्या जवाब है जी इसके ऊपर? जय
जवाब कामना पूर्ण हुई, कामना पूर्ण हुई, नकाल से मैं मर सका, मेरे आते सामने कोई जरूरत ना कर सका, खुद राम को आना पड़ा मुझको मिटाने के लिए, मेरी कहानी अमर है जग में सुनाने के लिए। जय श्री राम। असल में क्या है, आप कितने सालों से रावण का रोल कर रहे हैं, असली नाम क्या है आपका, बाय प्रोफेशनल क्या है? मेरा नाम राजेंद्र नारंग है, लोग मुझे पप्पू नारंग से ही नाम से ही जानते हैं, मेरे घर में ही मुझे पप्पू नारंग ही जानते हैं, राजेंद्र नारंग तो किसी को अभी लगभग पता भी नहीं है। सर रावण के डायलॉग तो सारे याद हो गए होंगे। याद है अब तो, बस ना भी याद हो, अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मुंह से जो निकलता है भगवान राम की कृपा हो जाती है। कभी घर पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, रावण तो ही असली का पैदा हो जाता है, उस तरह के डायलॉग फिर तो याद आ जाते हैं। घर में मैं रावण नहीं होता, घर में रावण नहीं होता, घर में तो भाई ऐसे काम चलाओ ठीक है, घर में रावण नहीं। अच्छा आपका परिचय जानना चाहेंगे, पिछले 25 सालों से आप राम जी का रोल कर रहे हैं। कुलवंत जी, मेरा नाम बलजीत टुंड एडवोकेट है और ये तो 25 साल से कर ही रहा हूँ, आपको बता दिया। और असल जिंदगी में भी श्री राम के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, कभी घर पे जैसा मैं पूछा लड़ाई झगड़ा हो जाए, बड़े प्यार से फिर सुलटा लेते हैं। हाँ अब तो काफ़ी स्वभाव वही बन गया है कि प्यार से सुलझा लेता हूँ, माता और पत्नी में भी कोई बात हो जाती है तो भी बिल्कुल पत्नी को पत्नी का करते हुए याद दिलाता हूँ, और माता का आशीर्वाद तो माता का होता है, माँ से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, माँ की तो भगवान भी पूजा करते हैं। अच्छा भाभी कहती होगी, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम साक्षात जो है मेरे सामने आ गए हैं। भाभी तो कहती है, भाभी को बाकी भी कहते हैं ना कि तू बड़ी धन्यवान भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा पति मिला, तो बाकी हाँ मैं तो हुई, क्योंकि देखो असलियत में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भी मुझे बिल्कुल एज लाइक एज ए सीता, मेरी वो सीता ही है, बिल्कुल पतिव्रता है और हर आज्ञा का पालन करती है, भगवान करे हमारा अगले जन्म में भी मिलन हो। अरे वाह, ये लक्ष्मण जी हैं, आपका बड़ा अहम रोल रहता है इस पूरे एपिसोड में, आपके जो डायलॉग हों रावण जी के साथ वो सुनना चाहेंगे, पहले आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम अनु छावड़ा, बिजनेसमैन हूँ और मैं भी 25 साल से स्टेज पे प्रभु राम के साथ ही रोल कर रहा हूँ, मुझे भी 25 साल हो गए यहाँ रोल करते हुए। क्या आपकी डायलॉग बाजी क्या है आप लोगों की? डायलॉग बाजी बहुत है हमारी भी, खबरदार लंकेश खबरदार, आगे कदम मत बढ़ाना, कहीं ऐसा ना हो कि ये रंग भूमि रण भूमि में बदल जाए और तुम्हारा ये अभिमानी शरीर खून में तैरता नजर आए। ये तीनों कलाकार है जिनका अहम रोल है, अभी जब लास्ट आपका एंड आ जाता है, जब तीर लगते हैं, घर का बेदी लंका ढाई हो जाते हैं, उस समय के क्या बोल हैं रावण के? उस समय यही होता है जो विभीषण राम जी को बताता है कि राम जी इसकी नाभि में तीर मारो तो रावण मरेगा, जितना क्रोश रावण को उस समय आता है, तो भविष्यन से वो बोलता है, भविष्यन याद रख आज के बाद इस संसार में कोई माँ अपने पुत्र का नाम भविष्यन नहीं रखे। तो यही डायलॉग होते हैं, लक्ष्मण जी भी बोलते हैं मुझे कुछ ज्ञान दो, तो यही कहते हैं भाई सब कुछ में मैं तो आपसे ऊपर था, लंका मेरी सोने की, पैसा मेरे पास इतना, इतनी मेरी सेना, सब कुछ था, लेकिन मैं क्यों मारा गया? अहंकार, मेरे में अहंकार था, वो अहंकार मुझे ले डूबा। लक्ष्मण जी कभी भी जिंदगी में अहंकार नहीं करना और प्रभु के चरणों में लगे रहना, ऐसे ही अपने भ्राता की सेवा करते रहो, बस जय श्री राम जय श्री राम। रामन जी का जो मशहूर डायलॉग रामलीला में बोलते, जो आपको कंठस्थ याद हो गया हो सुबह शाम उठते मतलब प्रैक्टिस करते हुए, वो चीज रावण जो है उग्र होकर सामने आ जाए। जानता है भोला शंकर मेरे बल परमान को, हाथों पर कैलाश उठाया हासिल किया वरदान में, मैं छल बल मेलासानी हूँ, ब्राह्मण कुलभूषण पावन हूँ, क्या तू नहीं जानता मैं रावण हूँ रावण हूँ रावण हूँ। है कर्म गति बलवान बड़ी, जिसका कोई भेद ना पाता है, ब्रह्मा जो करना चाहता है क्षण में कर दिखलाता है,
राजा को वो निर्धन कर देता, निर्धन को राज दिलाता है। संसार व्यवहार में हर प्राणी विदना को शीश झुकाता है, माता विदना को शीश झुकाता है। ये कलाकार हैं, सनातन धर्म मंदिर में पिछले कई सालों से जो हैं रामलीला हो रही थी, और आज इनका मंचन शबरी का है, और जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस समय शबरी का जो है जी शबरी का आज इनका जो है सीन वो है चलेगा। तो ये कलाकार जो है तैयार हो रहे हैं, तो ऐसे ही जो है पानीपत में हर जगह अमूमन जो है इस समय कलाकार तैयार होते हैं। तो आज वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप लोगों से अपील ये है कि अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएँ कि क्या हुआ था उस समय और क्या जो है आज के समय में चल रहा है। मोबाइल की दुनिया से जो है बाहर निकलें, तो इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, और आपको बताते रहेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि पानीपत के और रामलीलाओं में क्या हो रहा है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका ऐसा स्नेह और प्यार हमारे लिए बहुत है। आपके ये तालियां कलाकारों का हौसला बढ़ाती हैं।